का वारिस है ये। बहुत सारी शक्तियां हैं इसके खून में। गुरु का खून जो बह रहा है इसकी नस नस में। गुरु? कौन गुरु? और ये वंशज कौन है? ये ज्ञान ना तुझे तेरी बड़ी माँ देगी। हा? नहीं तो अपनी इन दो भाभियों से पूछ ले। मेरी सिमी को छोड़ दो, मेरी सिमी को जाने दो। और वंशज तू सुन, ये भिखारी तेरा बाप, इसको तो मैंने ही बंदी बनाकर रखा था, पर ये मेरे किसी काम आया ही नहीं तो फेंक दिया इसको मैंने। हाँ लेकिन बेचारा देखना फिर से अपने परिवार से मिल ही नहीं सका। खैर छोड़, 2 घंटे की जिंदगी ही बची है इसकी। कुछ क्यों 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 क्यों? क्योंकि तेरी महिमा माता ने जिस तलवार से इस पे वार किया है वो कोई ऐसी वैसी तलवार तो है नहीं, जादुई तलवार है ना, जिसके वार से तो कोई भी नहीं बच सकता। ये बेचारा तो मरेगा ही मरेगा है ना सिमी। हाँ वैसे एक तरीका है इसको बचाने का, अगर वो रत्न इसके घाव को छू ले तो। कौन सा रत्न? दिव्या दृष्टि तुम दोनों बताओगी या मैं बता दूं? रहने दो मैं ही बता देती हूँ। ये दोनों दिव्या दृष्टि दोनों सगी जुड़वा बहने हैं। जोर का झटका जोर से लगाना सबको। हाँ ये दोनों एक ही माँ के पेट से जन्मी है, दोनों जादूगरनी है जादूगरनी। कितने खतरे कितनी मौत इस परिवार के ऊपर आई, लेकिन ये दोनों हमेशा दीवार बन के बीच में खड़ी रही और बचाती रही इस परिवार को। दिमाग कूट के रख दिया मेरा इन दोनों ने। खैर उनका इंट्रोडक्शन छोड़, पॉइंट पे आते हाँ? इन दोनों के पास एक रत्न है, काल विजय रत्न। क्या है सिमी कौन सा रत्न है? काल विजय रत्न है। हाँ शाबाश, तो जाओ जाके वो रत्न ले आओ। वैसे लाना ही पड़ेगा कि वो रत्न इस बुढ़े को बचा सकता है। लेकिन वो रत्न हम लाएंगे कहाँ से? ओजस्विनी ज्यादा तेजस्विनी मत बन, रत्न तुझे नहीं लाने हैं, इन दोनों को लाना है। और इन दोनों को पता है कि वो रत्न कहाँ है। 2 घंटे के अंदर अंदर वो रत्न ले आओ, वरना ये बेचारे बाबूजी स्वर्ग या फिर हो सकता है नर्क सिधार जाए। बेचारे एक रुका हुआ फैसला बन के रह गए हैं। फैमिली में आते ही दी एंड। ओके देन बाय एवरीवन, गुड लक। बुच्चे की जान खतरे में है, रत्न लाओ जान बचाओ। टिंग टिंग टिंग। सिमरन। हाँ सिमरन। माय गॉड। और इसी तरह हम दोनों की जान बचाते बचाते हमारे मम्मी पापा की जान चली गई। उसने मार दिया हमारे मम्मी पापा को और हम दोनों बिछड़ गए। और वो हमारे पीछे लग गई क्योंकि हमारे पास काल विजय रत्न था। काल विजय रत्न की आधी शक्तियां मेरे पास और आधी शक्तियां दिवी के पास थी। मैं भविष्य देख सकती हूँ और दिवी के पास मनोगामी शक्तियां हैं, यानी वो चीजों को बिना हाथ लगाए उन्हें अपनी जगह से हिला सकती है। और रक्षित सब के पास भी शक्तियां हैं। शिखर और मेरा भाई रूमी पहले से सब जानते थे, इसीलिए वो हमारी हेल्प कर रहे थे। मैं जानती हूँ हमने आप सबसे बहुत बड़ा सच छुपाया, कई सारे झूठ बोले, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। नहीं नहीं माफी तुम्हें नहीं मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि गलती मेरी है, मैं तुम्हें नहीं पहचान सकी।
हाँ मोम, और जब भी आपको लगता कि दृष्टि घर में से बिना बताए चली गई है, हमारी हर पूजा में से, हर फंक्शन में से, तब आप कहती थी इसे घर में किसी की फिक्र नहीं है, बिना बोले चली जाती है, घर में होकर भी घर में नहीं होती। जब जब आपको लगता था कि दृष्टि रूडली बात करती है, आपकी बातों का जवाब नहीं देती है, घर से गायब रहती है, तब मोम दृष्टि असल में हमारे घर को बचा रही होती है। वही शक्तियों से लड़ रही होती है और मैं तुमसे मुझे माफ कर दो ना बेटा। नहीं मैम प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं मैम प्लीज, हमें शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं मैम नहीं, मुझे मॉम कहो मॉम। हम तो सिर्फ घर बसा रहे थे, तुम बसे बसाए घर को बचा रही थी। एक बार नहीं, तुमने हजार बार बचाया है, लेकिन मैं ये सब नहीं जानती थी ना, इसीलिए तुम्हारे और रक्षित के रिश्ते में। आई नो मम्मी जी, सो ट्रू। दृष्टि, माफी तो मुझे भी तुमसे मांगनी चाहिए, पर जो होना था वो तो हो गया। आई मीन रक्षित और तुम्हारा डिवोर्स तो हो गया ना, और मेरी रक्षित से शादी भी हो गई। अब जो हो गया है उसे कैसे बदल सकते हैं? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दृष्टि। आई एम सॉरी, मैं अभी आती हूँ। आज का दिन तो वाकई में बहुत चमत्कारी है। आज इतने सालों बाद चेतन भाई साहब घर वापस आ गए और इस घर की दोनों बहुएं बहने निकली। मैं भी आती हूँ।